एक रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में विभाजित करना। इस वीडियो में हम यह सीखेंगे कि एक रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में किस प्रकार विभाजित किया जाता है। एक रेखाखंड AB दिया गया है, हम इसे m अनुपात n में विभाजित करना चाहते हैं। प्रक्रिया को समझने में सहायता करने के लिए हम m को 3 और n को 2 लेंगे। तो हमें रेखाखंड AB दिया गया है। AB से न्यून कोण बनाती हुई कोई किरण AX खींचिए। AX पर 5 जो कि 3 और 2 का जोड़ है, बिंदु A1, A2, A3, A4 और A5 इस प्रकार अंकित कीजिए कि AA1, AA2, AA3, AA4 और AA5 बराबर हों। BA5 को मिलाइए। बिंदु AA3 से होकर जाने वाली A5B के समांतर एक रेखा A3 पर AA5B के बराबर कोण बनाकर AB को एक बिंदु C पर प्रतिच्छेद करती हुई खींचिए। हमने यह रेखा A3 से इसलिए खींची है क्योंकि हमने M को 3 माना था। अगर हम M को 4 मानते तो हम यह रेखा A4 से खींचते। तब AC अनुपात CB जो कि 3:2 है। अतः हमने इस रेखाखंड AB को 3:2 में विभाजित कर लिया है।